टीकमगढ़ जिले में बना सुजारा डैम, जिसके अंतर्गत पानी स्टॉक के लिए खरगापुर विधानसभा के ग्राम रामपुरा में तालाब बनाया गया है। इस तालाब से अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए किसानों के खेतों में पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन तालाब के ओवरफ्लो हो जाने से किसानों के खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर किसानों का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही से नुकसान हुआ है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन चोक होने से ओवरफ्लो हुआ है। बता दें कि टीकमगढ़ जिले की एक खबर है, जहां जिले में सुजारा डैम है, जिसके अंतर्गत पानी स्टॉक के लिए खरगापुर विधानसभा के ग्राम रामपुरा में तालाब बनाया गया। इस तालाब से अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए किसानों के खेतों में पानी सप्लाई किया जाता है। तालाब ही एकमात्र ऐसा साधन होता है जिससे कम इलाकों में, जहाँ जिस इलाकों में पानी कम हो, वहां पर पानी पहुंचाया जाता है। मगर बात यह है कि इस तालाब का पानी जो है वो ओवरफ्लो हो गया है और किसानों के खेतों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से किसानों की फसल जो है, खड़ी फसल खराब हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और ऐसे में अब किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि उनकी इस समस्या का हल क्या है, ठेकेदार की लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है साफ तौर पर। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता सुरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, रामपुरा में ये जो तालाब बनाया गया है, अभी ओवरफ्लो हो गया और इससे जो है किसानों के खेतों में पानी भर गया है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण ये सब हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत बांध सुजारा का जो डैम है वह बनाया गया है। बांध सुजारा डैम से नहर के रास्ते रामपुरा तालाब में पानी आता है, जो कि उस पानी जो स्टॉक बनाया जाता है वहाँ पे, पानी के स्टॉक के बाद अंडरग्राउंड पाइप लाइन के जरिए किसानों के खेतों तक पानी पहुँचता है जी। लेकिन अचानक से जो पाइप लाइने हैं वह है, उनमें पानी नहीं जा रहा है और वह जाम हो चुकी है, जिसकी वजह से जो तालाब का ओवरफ्लो है उससे काफी पानी निकलता जा रहा है, जिसकी वजह से जो किसानों की नीचे फसलों की बोनी हुई है, अभी अंकुरित थी फसलें हुई थी, उसमें पानी भर गया है, जिससे काफी किसानों को परेशानी हो रही है और किसान परेशान है और नुकसान भी काफी ज्यादा हो गया है जी। प्रशासन का क्या रुख है, मतलब प्रशासन कितना एक्टिवली यहाँ पर आ रहा है? प्रशासन के द्वारा कोई मुआवजा देने की बात की गई या कुछ मदद की बात कही गई? देखिए, अभी प्रशासन की बात करें तो मौके पर कोई भी आला अधिकारी वहाँ पे बांध सुजारा के नहीं पहुँचे हैं और ना ही अन्य आला अधिकारी पहुँचे हैं किसानों की सुध लेने के लिए, क्योंकि किसानों का काफी नुकसान हो चुका है। साल भी किसानों का नुकसान हो गया था जी, बिल्कुल नुकसान तो हो गया है, क्योंकि अभी फसल उन्होंने बोई है, बोनी का टाइम है और ऐसे में अब ग्रामीणों का आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने क्या सोचा है कि प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, किसानों का कहना है कि अगर हमें जो फसल हमारी नुकसान हुई है मुआवजा नहीं मिलता है तो हम लोग जल्द ही कुछ बड़ा करेंगे, जिससे कि हम धरने पर बैठेंगे और भी अन्न करेंगे, क्योंकि जो फसल है अभी बोनी ही हुई थी और यह है जो मार है, जो पानी की मार है, उनकी फसलों पे पड़ गई है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो ठेकेदार की सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे बताई जा रही है कि उसी की लापरवाही की वजह से यह सब हुआ है, तो जाहिर सी बात है अब ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, अब बात करें ठेकेदार की, तो ठेकेदार वहाँ पे जो सफाई कर्मी लगाए हुए थे, जो की पाइप अंडरग्राउंड पाइप लाइन डली हुई है, चोक हो गई है, वहाँ पे साफ सफाई करते थे, लेकिन अब हालांकि ये नहीं कह सकते बांध सुजारा से अधिक क्षमता का पानी छोड़ा गया है, या फिर जो साफ सफाई पाइप लाइनों की नहीं हुई है, या उसमें चूक हुआ है, ये तो जांच का विषय है जी। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। टीकमगढ़ से हमने आपको खबर बताई, जहां पर तालाब के ओवरफ्लो होने से किसानों को खासा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसल खेत में ही खराब हो गई है, जिसकी वजह से अच्छा खासा उन्हें नुकसान भुगतना पड़ रहा है।